गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मॉन्ड्रेसिया के ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों की हिंदी लिटरेचर मिस। कल मैंने आप लोगों को लघुतरीय प्रश्न उत्तर लिखवाया था, आज चैप्टर 2 का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर लिखाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। कल मैंने आप लोगों को टोटल 5 लघुतरीय प्रश्न उत्तर लिखवाया था, आज दीर्घ उत्तरीय हेडिंग डाल के फर्स्ट जो है प्रश्न लिखेंगे। समाज का चारित्रिक पतन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं? इसका आंसर है, समाज का चारित्रिक पतन के माध्यम से लेखक यह कहना चाहते हैं कि आजकल किसी भी क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति के अंदर ईमानदारी, कॉमा देंगे, हमदर्दी व सद्व्यवहार नहीं रहा। सबके सब एक दूसरे को धोखा देने का मौका या तरीका ढूंढते हैं, अर्थात सभी लोगों का चरित्र भ्रष्ट होता हो चुका है और इंसानियत भी समाप्त होती जा रही है। नेक्स्ट प्रश्न है, आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों में विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है, तात्पर्य समझाएं। इसका आंसर है, आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों में विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है। डबल इनवर्टेड कॉमा में जिस तरह से ये क्वेश्चन में होगा वैसे ही लिखेंगे। इस पंक्ति का तात्पर्य यह है कि आजकल लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति अत्यंत सचेत हो गए हैं, वे किसी भी चीज का सेवन करते समय उसमें मौजूद खूबियों के बारे में जानना चाहते हैं। जिन चीजों में विटामिन एवं प्रोटीन अधिक होता है वे उन्हें ही अपने खाने में शामिल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, और ये आप लोग का लास्ट जो प्रश्न है, ग दुकानदार ने लेखक के बारे में क्या भांप लिया था? ठीक है, इसका आंसर देखिए, लेखक ने जब स्वयं सेबों की जांच न करके सीधे अपना रुमाल सेब बांधने के लिए दुकानदार को दिया था, उसी समय उसने भांप लिया था कि यह महाशय अपनी आंखों से काम लेने वाले जीव नहीं है और न इतने चौकस हैं कि घर से सेब लौटाने आएंगे। तो आप लोगों का चैप्टर 2 का नोट्स जो है यहीं तक लिखना था, जिसे मैंने अभी लिखवा दिया है। दीर्घ उत्तरीय में मैंने टोटल 3 प्रश्न उत्तर आप लोगों को आज लिखवाए हैं। आप लोग अच्छी तरह से इसे अपने नोट्स कॉपी में लिखिएगा, और आज के लिए बस इतना ही। आज आप लोग का होमवर्क है रिवाइज प्रेमचंद चैप्टर 1। थैंक यू।